देखिए बाहर का व्यूज कितना सुंदर है, देख सकते हो पूरा ग्रीन ग्रीन। ये एक नींबू का पेड़ है, ये देखिए इस पे नींबू लगा हुआ है अभी। ये अपना गेट है और ये देखिए वॉल पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, दिस इज मौसमी असम। सो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं एक नया ब्लॉग आप लोगों के लिए लेके आई हूँ और वो है मेरा स्विचा रूम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा भी है जो भी है, अपना रूम तो अपना ही होता है, क्योंकि मैंने पहला एक वीडियो बनाया था मेरा होम टूर, माय स्वीट होम टूर। उस पर मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज मिला और बहुत ज़्यादा आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिला, क्योंकि वो मैंने अपनी लैंग्वेज असामिस पे बनाया था। तो अभी इसलिए मैं अपना दूसरा वीडियो अपने रूम टूर आप लोगों से शेयर करूंगी और वो भी हिंदी पे, ताकि सबको समझ में आया। मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि आप आसामी से होकर हिंदी पे वीडियो बनाती हो, आपको क्या आसामी लैंग्वेज नहीं आती। लेकिन ये बात नहीं है गाइस, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हम आसामीज पीपल हो या कुछ भी कंट्री के हो, लेकिन हमें हिंदी समझ में आता है। आजकल देखिए ना, बच्चे को भी हिंदी लैंग्वेज समझ में आता है। तो इसलिए मैं अपनी वीडियो हिंदी पे बनाऊंगी, ताकि आप सबको पता चले, आप सबको समझ में आए। और ऐसे भी हिंदी ऐसा कोई भी ना हुआ हमारे इंडिया में कि जिसको हिंदी समझ में नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, अपना रूम पर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं अपने रूम के बाहर खड़ी हूँ। तो चलिए एंट्री करते हैं अपने रूम पर। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट में ही एक कवर है, उस पर मेरे कपड़े रखे हुए हैं। और ये देखिए, ये मेरे बेटे के साइकिल, वो यहाँ जहाँ तहाँ फैल के रखते हैं अपना सारा चीज। ये उसका चेयर छोटा सा, और ये है जिसपे मैं अपना कपड़ा ऐसे रखती हूँ। और यहाँ भी एक ऐसे बॉक्स है जिसपे मैं अपनी पुराने स्वेटर वगैरह रखती हूँ। और ये, क्योंकि मैंने आपको बताया है, मैं अपने ससुराल जाने वाली हूँ अभी कुछ दिनों में, इसीलिए मैंने सारा पैकिंग वगैरह करके रखा हुआ। इसीलिए यहाँ एक छोटी सी बेड पर मैं अपनी पूरा सामान ऐसे रख, हम जा रहे हैं, इसीलिए मैं सारा चीज ऐसे पूरा ठीक करके, पूरा सेटअप करके रखी हुई हूँ, ताकि हम जब भी जाए हमें आसानी हो। इसलिए मेरा सारा पैकिंग हो रहा है, इसलिए ऐसे है, बिखरा हुआ पड़ा है। और ये दो ट्रंक है जिसपे मैं मेरी और मेरे बेटे के कुछ कपड़े रखे हुए हैं। ये पुराना हो गया है, इसलिए इसके ताला वगैरह ये टूट गया है, लेकिन फिर भी ये अभी ठीक हो रहा है, इसलिए इस पे कपड़े रखे हुए हैं। और ये मेरे बेटे के कुछ दवाएं हैं, ये देखिए, तो इस पे भी कुछ कपड़े हैं। और ये बॉक्स है जिसपे मैं कुछ अपना मेकअप का सामान वगैरह या कुछ रखती हूँ, ये क्योंकि मैंने खरीदा था तो यहाँ ये यूज़ नहीं किया अभी तक, इसलिए इस बॉक्स पे ही मैंने रखे हुए हैं। इस पे छोटा मोटा मेरे कुछ, क्योंकि मैं ज़्यादा मेकअप तो नहीं करती, इसलिए छोटा मोटा कुछ मेकअप का सामान वगैरह है, मेरा सिंदूर वगैरह। इस पे देखने के लिए कुछ ज़्यादा तो नहीं है, देखने वाले चीज़ नहीं है, मेरे रूम पे देखने वाला कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है, सिंपल सा है। और ये देखिए बाहर का व्यूज़ कितना सुंदर है, देख सकते हो पूरा ग्रीन ग्रीन। ये एक नींबू का पेड़ है, ये देखिए इस पे नींबू लगा हुआ है अभी। और ये अपना बेड है, और ये देखिए वॉल पे मैंने एक चीज का डिज़ाइन बनाया हुआ है, सिंपल सा है, कैसा है आप मुझे बता सकते हो कमेंट पर। यही था मेरा छोटा सा रूम, मैंने आप लोगों को दिखाया है। अभी न्यू घर पे जब जाएंगे तो न्यू घर का मेरा रूम का सेटअप आप लोगों को दिखाऊंगा। और एक बात आपको पता है, आसाम की सबसे ब्यूटीफुल प्लेस कौन सा है? वो है माजुली। आपको पता होगा शायद, माजुली बहुत अच्छा प्लेस है, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस पे, उस पर देखने के लिए बहुत सारा प्लेसेस है, बहुत सारा व्यूज उसका अच्छा है। तो हम लोग जा रहे हैं माजुली ट्यूसडे को, तो आप लोगों को ब्लॉग मिलेगा, शायद देर होगा क्योंकि हम एक स्पेशल रीजन से जा रहे हैं इसके लिए।
तो कुछ कामों में बिजी होंगे तो इसलिए आपको ब्लॉग मिलेगा लेकिन कुछ दिन बाद आएगा, तो मेरे चैनल के साथ जुड़ी रहिए। तो चलिए आज इस पर ही वीडियो को एंड करते हैं, बाय बाय। मेरा बेटा भी मेरे पीछे पीछे कमरे पे आ गया है, अभी देखो ये क्या कर रहा है। ये इस बैग पे कुछ सामान है, कुछ फाइल वगैरह, और ये बेड बैग मैंने बेड पे रखा था, इसने खुद बेड से नीचे गिराया और अभी खेल रहा है। बेड पे एक लॉकेट लगा हुआ है, लॉकेट के साथ बहुत मस्ती करता है ये गोलू। और आपको पता है अभी 2 बज गए और ये नहाया नहीं है अभी तक, खेल रहा था इसीलिए, तो अभी इसको नहाना भी है। चलो नहा लेते हैं, चलो चलो। अभी देखो बैग को वो ले जा रहा है पूरा। अरे क्या कर रहे हो बोलो।